application would be 18th of April 2024, a date of poll would be 13th May 2024. So, Andhra ke case mein notification 18 April 24 ko hoga, aur date of poll 13th May 24 ko hogi. Iske baad Arunachal Pradesh mein date of gazette notification 20 March ko hoga, aur date of poll 29 April ko hogi. 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल, सॉरी 19 अप्रैल को, 20 मार्च 19 अप्रैल. इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल, 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल. उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड इन फेजेस, एंड फर्स्ट फेज वुड बी ऑन 18th अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल वुड बी 13th मई. फिफ्थ फेज में होगा सेकेंड फेज ऑफ द असेंबली ऑफ उड़ीसा, 26th अप्रैल एंड 20th मई. देन सिक्स्थ फेज एंड सेवेंथ फेज ऑल्सो उड़ीसा वुड हैव द असेंबली इलेक्शंस, सिक्स्थ फेज बीइंग ऑन 29th अप्रैल एंड 25th मई इलेक्शंस. ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो. कमिंग टू द जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार, बिगेस्ट, 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ विच 84 are reserved for SCs and 47 are reserved for STs. तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश, दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग, छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं. शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल Phase 1, we'll do it in 7 phases, as was done last time, 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. Isme फेज वन का शेड्यूल एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्यौहार है, और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी, और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी. सो फेज वन दिस विल लुक लाइक दिस. ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अभी. ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा. तो इसमें जो फेज वन का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है. सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में. सेकेंड फेज विल नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन 28th ऑफ मार्च एंड डेट ऑफ पोल विल बी 26th ऑफ अप्रैल. सिमिलरली हियर in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 1 mein 21 rajya polling mein jayenge, aur phase 2 mein usme se aur rajya jud jayenge. So this is the map which would be phase 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए,
सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे. फेज थ्री वुड बी फ्रॉम 12th ऑफ अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th ऑफ मई. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा. इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा. राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे. फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th ऑफ मई. डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4th ऑफ जून फॉर ऑल बाई इलेक्शंस, फॉर द असेंबली इलेक्शंस, फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा. इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाई दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कंप्लीट, एंटायर वेस्टर्न इंडिया वुड बी कंप्लीट, नॉर्थ ईस्ट वुड बी कंप्लीट. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी. 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी. काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th ऑफ जून. इट विल लुक लाइक दिस विच इज इन फ्रंट ऑफ यू. एंड फेज 5 में 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी गोइंग टू द पोल. फेज 6 में 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द पोल स्टार्टिंग फ्रॉम द गजट नोटिफिकेशन ऑन 29th ऑफ अप्रैल एंड फिनिशिंग ऑन 25th ऑफ मई 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा. लास्ट फेज 7th फेज नोटिफिकेशन विल बी ऑन 7th ऑफ मई एंड पोलिंग ऑन 1st ऑफ जून. तो लास्ट पोलिंग वुड बी ऑन 1st ऑफ जून एंड काउंटिंग ऑन 4th. एंड इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा. दिस इज हाउ द मैप विल लुक. येलो डिनोट्स द फर्स्ट फेज एंड अकॉर्डिंगली द लीजेंड्स आर गिवन. वी विल शेयर दिस मैप ऑल्सो विद यू, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें. ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. सो विल स्टार्ट विद 102 द लार्जेस्ट, स्लोली कम डाउन एंड फिनिश नॉर्थ ईस्ट, मूव अप फ्रॉम द साउथ एंड फिनिश द वेस्टर्न एरिया. तो इसमें वेदर,